आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 तथा परमाणु भार 35 है, इसके न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी, ठीक है। प्रश्न के अनुसार दिया गया है परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या 17, ठीक है दोस्तों, अर्थात परमाणु भार बराबर 35, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, न्यूट्रॉनों यानी कि न्यूट्रॉन को हम संकेत n होता है, तो n ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि किसी तत्व में परमाणु संख्या जो होता है, उस तत्व यानी कि उस परमाणु में उपस्थित नाभिक में प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि जो परमाणु संख्या वो क्या है दोस्तों, प्रोटोनों की संख्या के बराबर है, ठीक है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटोनों की संख्या, ठीक है, तत्व में उपस्थित प्रोटोन, नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात दिया गया परमाणु भार, और परमाणु भार क्या होता है दोस्तों, परमाणु भार को ही हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु भार यानी कि इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो अब हम सूत्र देखते हैं, इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। हमारे पास सूत्र है ए बराबर जेड प्लस एन, ठीक है, जहां पे ए क्या है दोस्तों, जहां ए बराबर क्या होता है, ए बराबर हमारा हो गया द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या। जेड बराबर क्या हो गया, प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोन की संख्या। उसी प्रकार एन बराबर हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन संख्या। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करना है दोस्तों, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं यानी कि एन बराबर ए माइनस जेड, ठीक है, ए क्या हो गया परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, ठीक है, यानी कि क्या हो गया दोस्तों, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटोनों की संख्या, इससे हमारा एन निकल जाएगा, यानी कि क्या हो गया दोस्तों, ए कितना है, ए हमारा हो गया यानी कि प्रश्न में देखे तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, परमाणु भार, ठीक है, ए बराबर क्या हो गया, एक परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या 35 और परमाणु संख्या प्रोटोनों की संख्या z बराबर 17, ठीक है। तो इसे हम कर लेंगे 35 माइनस 17 n बराबर हो गया हमारा 18, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आएगा दोस्तों, 18। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।